दोस्तों, कभी आप किसी काम से क्रिंज के डर से पीछे हटे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक बड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है और दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं, कजन्स आए हुए हैं और सब शाम को बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक आपका कूल कज़न है जो एक के बाद एक गाने गाए जा रहा है और सारे लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा अच्छा गाना गा रहा है और वाह 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 कर रहे हैं। आपके मन में भी गाना गाने की इच्छा जागृत हो रही है, बल्कि केवल जागृत ही नहीं हो रही है, पिछले 2 महीने से हर दिन बाथरूम में आपने क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा की प्रैक्टिस भी करी है। और जब आप अकेले ड्राइविंग पे निकले हैं तब तब आपने वो गाना गा गा करके गला ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब आज गाना गाने का मौका आता है तो आप सकुचा जाते हैं। आप ये कहने लगते हैं कि अरे मैं गाना वाना कहाँ गाता हूँ, और आप जो है पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि यार अगर मैं गाना गाऊँगा तो इतना बेकार गाऊँगा कि मोहल्ले के सारे गधे हमारे दरवाजे के सामने आ जाएंगे, कज़न्स तो ये सारे के सारे हंसेंगे ही और पूरी फैमिली के सामने जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह का एक्सपीरियंस आपको बहुत सारे और फील्ड्स में हो सकता है। ये वीडियो देख करके ही आपको लग सकता है ऐसा कि यार ऐसा वीडियो तो मैं भी बना सकता हूँ, वो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर आपको ये लगता है कि यार बनाएंगे और डालेंगे यूट्यूब पे, यार दोस्त कलीग्स रिश्तेदार देखेंगे, हंसेंगे, कहेंगे यार ये क्यों अपना बेवकूफ़ बनवा रहा है, क्या क्रिंज डाल रहा है, और हम वो काम कभी नहीं करते। या मान लीजिए कि आप जिम जाते हैं, मान लीजिए मैं जिम जाता हूँ, आज से पहले कभी गया नहीं, तो मैं थोड़ा ओवरवेट भी हूँ, थोड़ा वेट्स कैसे उठाने हैं, सही मूवमेंट्स क्या हैं, उन सब का ना तो एक्सपीरियंस है ना उन चीज़ों को हैंडल करने में कॉन्फिडेंस है। तो जब मैं जिम जाता हूँ मैं देखता हूँ कि यार 15 15 20 20 साल के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े भारी भारी वेट्स उठा रहे हैं, बड़ी बढ़िया इम्प्रेसिव सी उनकी फिजीक है और बड़े रिदमिक तरीके से एक पोएट्री इन मोशन की तरह उनके हाथ और पैर चल रहे हैं और वेट्स उठा रहे हैं। मैं वेट उठाने जाता हूँ तो सबसे छोटा डंबल उठाने की कोशिश करता हूँ, एक हाथ ऊपर उठता है दूसरा हाथ नीचे चला जाता है और बड़ा ऑकवर्ड भोंडे इनएलिगेंट से तरीके से मैं वेट्स हैंडल कर पाता हूँ। दाएं बाएं मैं देखता हूँ, मुझे लगता है यार ये लोग देख के मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगले दिन से मैं कभी जिम आता ही नहीं।